अस्सलामुअलैकुम खवातीनो हज़रात, उम्मीद आप सब खैरियत से होंगे। आप देख रहे हैं यूट्यूब चैनल ज़िले हसीफ। मैं झंग आया हूँ, मेरे साथ मछली खाने और सर्दियों का आगाज़ हो रहा है। इस सीज़न की हमारी पहली मछली है और मेरे साथ जो है ना वो है इधर आ रहे हैं जी कासमी साहब दी ग्रेट। अच्छा, इन्होंने ना मुझे बार बार बोला है जाके फेस धो के, आप मैं धो के आया हूँ। हाँ प्यारा लग रहा हूँ ना? जी जी बिल्कुल। वो असल में वो रस्ते में आया तो वो लानत काफ़ी सॉरी गट्टा काफ़ी पड़ रहा था तो फिर वो जो है ना डस्ट लगी थी। हम दो के एम का अच्छा नहीं लगता कि यार हमने वीडियो छोटी सी बनानी है तो उसमें जो है ये उमर नाम है ना हसन। हाँ ये हैं जी हमारे साथ हसन भाई, ये हैं जी कासमी साहब जिनको आप ऑलरेडी जानते हैं, इधर वन एंड ओनली मिस्टर उस्मान, और मैं आप लोग का अपना जो है वो जिले जिले इलाई जिले इलाई। ये बंदा ना, ये बंदा लोग वगैरह सारे बनाते हैं, लेकिन साल डेढ़ साल हो गए इसकी जो व्यूअरशिप है सब्सक्राइबर है वो थोड़े ही है, वो नहीं इंक्रीज। वो भी है और फिर मेरे व्लॉग की जो टाइमिंग है, व्लॉग मैं आज जैसे आज बना रहा हूँ अपलोड, इसको मैं डेढ़ महीने के बाद करूँगा, वो सारा वो क्या कहते हैं वो उसका ट्रेल खत्म हो जाता है, सारा चीज़ खत्म हो जाती है कि मेन के जो टाइम होता है ना, अगर उस टाइम में कर ली जाए वो चीज़ तो मेरे ख्याल से बेटर रहती है। यानी ये जो बातें कर रहे हैं ना, टाइम मैनेजमेंट नहीं हो पा रही भाई से। हाँ जी टाइम मैनेजमेंट नहीं हो पा रही, मैं इंतहाई सुस्त आदमी हूँ। अच्छा जी, और अभी हम लोग ने जी मछली का दिया है जी ऑर्डर, और तकरीबन हमारे 25 मिनट लग जाएंगे, 25 मिनट तो नहीं खैर जल्दी हो जाएगी। सैलेड दे के गए हैं जी। अच्छा जी, साथ उस्मान के लिए वो दे के गए हैं चूरन। जी जी और सॉरी हाजमे वाले में सारा, इसको बदहजमी बहुत ज़्यादा रहती है, बिकार ही बहुत आते हैं, स्टमक खराब है इसलिए। अच्छा पानी की बोतल भी दे गए हैं, टिश्यू हमें जो है ना वो ये केचप के भी जो है वो दो पैकेट दे के गए हैं कि अगर हम वैशियों की तरह खाते हैं तो अगर एक ख़त्म हो जाए तो हम दूसरी भी इस्तेमाल कर सकें। क्या ये जगह, ये मतलब जगह इसको हम लोग फर्स्ट टाइम आए हैं मेरे ख्याल इकट्ठे, तो कैसी है जगह? फिलहाल तो नॉर्मल लग रही है। अच्छा जी, ये है जी हमारा कलंदरी डेरा, ये आप लोग देख सकते हैं टोबे रोड के ऊपर है, इनका जो सेटअप है कुछ इस तरह मतलब ओपन सा सेटअप है। मेरे बैक साइड पे एक ट्रक खड़ा है जो कि मेरे व्यू में पहले आ रहा था, तो अभी तो ये स्टार्टअप हो रहा है ना, मतलब सर्दियों का आगाज़ हो रहा है तो मतलब अभी स्टार्टअप है, नहीं तो पहले इन्होंने लाइटिंग शाइटिंग यहाँ पर हुई होती है, बड़ा लेवल का इन्होंने सीन बनाया होता है। अभी लेडीज़ के लिए ना इनका ये अलहदा सेटअप है ये यहाँ पर कासमी साहब की बैक साइड पर, और मगरिब का टाइम ऑलमोस्ट होने वाला है, बल्कि आप लोग को ये सूरज गरूब होता हुआ नज़र आ रहा है, मतलब उसकी वो क्या कहते हैं सुर्खी आसमान पे थोड़ी सी नज़र आ रही होगी, जैसे चांद भी टाइम से निकल के खड़ा हुआ है। वो देख आसमान, ये मैं आसमान की ना वीडियो बना रहा हूँ। अच्छा अभी इसमें मैं चीज़ सिर्फ ये कहना चाह रहा हूँ कि ये आप लोगों ने अक्सर देखा होगा कि शाम को मतलब कहीं बाहर बैठा हो ना तो ये सर के ऊपर कोई मच्छर और ये बबूनियाँ टाइप आ जाती है, सर पे मंडलाती रहती हैं। अभी ये अभी कासमी के सर पे नहीं है, पता नहीं मेरे सर पे, मेरे सर पे उस्मान के सर पे है, तेरे सर पे आप भाई पहले नहीं थी ना। तो किसी को पता है कि ये क्यों होती हैं और मतलब ये क्यों ऐसे होती है और हर एक के सर पे नहीं आती, किसी के किसी के सर पे आती है, जरा लॉजिक तो बताया ना। हमारी जो है वो फ्राइड फिश आ गई गर्मा गर्म, और ये इन्होंने 1.5 किलो का ये हाल किया है, खुद अंदाजा लगाए। चलें जी कासमी साहब, ये फ्राई जरा इसको फिश है। हाँ चलें जी, इसका उतारे हैं ऊपर से रैप। ये जी हमारा इन्होंने वो सैलेड दिया है, फ्रूट हमारा वो खाना आ गया, अब बारी है जी खाने की, और फिर मामला जो है वो हिस्सादारी में है तो बंदा कहीं पीछे ना रह जाए, जल्दी जल्दी स्टार्ट करते हैं। उस्मान साहब भूख लगी है जी बहुत, कितनी लगी है? तकरीबन 50%। ये 50 है, ये 150 वाला क्या चीज़ है ना, मतलब कुछ कंट्रोल होता है। अच्छा अच्छा, हाँ जी हसन साहब जी भाई, ऊंचा बोलना है जी जी, भूख लगी है जी बिल्कुल, कितनी लगी है? तकरीबन 79। मुझे तो बहुत ज़्यादा भूख लगी है। हाँ आप पूछो ना पूछो, मैंने खाना है ये सब कुछ। हाँ जी मैं तो आया खाने के लिए दुनिया पर, दुनिया में बंदा सिर्फ खाने के लिए है, आदम जो है ना सिर्फ दुनिया पर खाने के लिए है, और कोई काम नहीं इसे। चले लेट्स स्टार्ट। ये ना हमारी रोटी भी आ गई है, ये उस्मान साहब को भूख भी लगी है, केचप वाले सीन की कासमी साहब बात कर रहे थे, वो मीम नहीं बना। हाँ वो ड्रामा था, ड्रामा था केचप तो लेके जाए। हाँ बस हाँ बस ड्रामा है, उसमें से वो जो है वो लड़ाई हो जाती है मतलब सास बहू की, तो वो जो बहू है ना वो उठा के ले जाती है अपने पिज्जाज के स्लाइस,
तो वो जो हस्बैंड उसका होता है वो कह रहा होता है उस्मान की तरह कि देखो वो जाते हुए केचप भी नहीं लेके गई, तो इसलिए हमने उस्मान और हसन को एक अलहदा केचप दिया, कासमी और मेरी एक अलहदा केचप, हम लोग केचप से महरूम ना रह जाए। तो बस अब स्टार्ट करते हैं, ठंडा हो रहा काम। मुझे तो बहुत मजे की लग रही है। कश्मीर साहब आपको कैसे लग रही है? ये वैसे ठीक है, लेकिन मैं आपको ये नहीं बता सकता कि कितनी अच्छी है, यानी कंपैरिजन आप नहीं कर सकते, कंपेयर नहीं कर बता सकता वैसे। टेस्ट अच्छा है इस फिश का, बहुत अच्छा है। अच्छा आप तो इसके अंदर है, ये देखिए जी, हम लोगों ने ये सफाया इसका कर दिया और ये ऐसा करके कुछ सफाया किया हम लोगों ने सब, बहुत अच्छा है। मेरा सेकंड विजिट था यहाँ पे, बहुत यार। आपने चूरन खाया? नहीं खाया। इसलिए मैंने ये बोतल में लेमन डाल के पिया था। क्या बात है बोनस। हाँ जी जी भाई जी, बहुत अच्छा रहा है। आप फर्स्ट टाइम है भाई जिला साहब और क्या कहते हैं भाई कासिम और उस्मान साहब के साथ आया हूँ और बहुत अच्छा लगा यार। फर्स्ट टाइम जैसे पहले आदम साथ कहा था, आदम जो है वो जमीन पर आया सिर्फ खाने के लिए, तुम खाना मिल गया बस बात खत्म और बाकी कोई चीज़ बचती नहीं है। खैर पता नहीं मैं बेशरम इतना क्यों होता जा रहा हूँ, इस बात की मुझे समझ नहीं आ रही। क्या कह रहा हूँ मैं कसम, जो भी बातें कर रहे हैं ना वो ठीक कर रहे हो, ये सारी बातें दिल से निकल रही हैं, बी ओरिजिनल। जी जी बिल्कुल सच में, वो बंदा वो एक वो कहते हैं ना बस वो अपना वो क्या कहते हैं शर्म हया और वो एक जो लिहाज होता है ना वो साइड पे कर दे, बस वो ओरिजिनलिटी आई थिंक बेटर है। बस लोग जहाँ से खाते हैं उस्मान साहब को भी बस ये मानते नहीं हमारी बात। यू आर राइट। यस यार चूरन तो खा, थोड़ा सा खा के दिखा। मुतमिन हो के सफाया किया, मुतमिन हो के मेरी कोल्ड ड्रिंक पड़ी है मैं वो पीता हूँ और फिर उसके बाद जेब खाली करते हैं और जाते हैं यहाँ से। अरे कभी इसमें चूरन डाल के ये जो पड़ा, ये एक्सपीरियंस किया तुमने कभी? ना कभी भी ऐसा एक्सपीरियंस नहीं है, मैं करना भी नहीं चाहता। नमक वाला समझ आता है, लेमन वाला भी समझ आता है, लेकिन चूरन वाला नहीं समझ आता। चूरन है ही नहीं, ये किसे बोलते हैं और कोई चीज़ बोलते हैं? ये मिसाला टाइप कोई है, वो हाजमा टाइप, हाजमादार मिसाला, वो लक्कड़ हजम छतरा हजम वो वाला मिसाला है ये। हाँ तो मैं आपको कह रहा था, आप दोनों का शुक्रिया ज़िले सेब और उस्मान हैदर का, क्योंकि जो बिल है ना वो इन दोनों ने डिवाइड करना है, मीन्स ये हमें ट्रीट दे रहे थे हम नहीं दे रहे थे। थैंक यू। हाँ जी उस्मान साहब जी, क्या प्यार है, शुक्रिया कह रहा हूँ मैं आपको, शुक्रिया प्यार है। जी अल्हम्दुलिल्लाह। किस चीज़ के लिए तैयार? जेब खाली करवाने। हाँ जी बच्चा समझदार हो गया है, जेब खाली करवाने के लिए तैयार। मैंने तो पता नहीं इसने कहीं और निकल जाना है। लें जी हमारा जो है वो बिल आ गया है, नसीब के नाम का बनाया इन्होंने। 1.5 किलो हमारी मछली थी, 1 हमारा सलाद की प्लेट थी, 10 रोटियां हमने खाई हैं। वैसे खा गई होंगी 10 रोटियां शायद, हाँ 3 एक दफ़ा आई हैं, 3 एक दफ़ा ऐसे करके ठीक है। और 1.5 लीटर हमारी जो है वो कोल्ड ड्रिंक थी, 1400 रुपये बिल बनाया है। और मेरे हिसाब से बेहतरीन सर्विस इनकी बहुत बेहतरीन थी, मतलब एक ऐसे ओपन एरिया में और थोड़ा सा सिटी से बाहर, तो उस हवाले से बहुत बेहतर था ये सब कुछ। चलें आप इनको बिल देते हैं और फिर यहाँ से चलते हैं। ये हमारी इनकी पार्किंग थी और बाहर चल के भी ज़रा देखते हैं। ये है जी हमारा टोबा रोड, इसके ऊपर ये पॉइंट था, ये पड़ियाँ जी मछलियाँ और जी जी ये खाई थी हमने। काश्मीर साहब आ गए हैं, फिर उस्मान साहब हैं, चले जी चलते हैं। ये इस रोड पे और भी बहुत ज़्यादा स्टॉल्स लगे हुए हैं, आप लोग को नज़र आ रहे हैं। तो आज का व्लॉग बस इतना ही था, उम्मीद है आप लोग को पसंद आया होगा। इंशाल्लाह मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए अल्लाह हाफिज़। चैनल को सब्सक्राइब करना मत भूलिएगा।